Hi guys, I am Anil Kumar. I am going to teach you equivalent mass. सबसे पहले हम equivalent mass की definition को समझते हैं. Equivalent mass क्या होता है? Equivalent mass basically the mass of substance. पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपके लिए नया टर्म है वन एन फैक्टर.
इससे सम टाइम हम लोग एलएनसी फैक्टर में बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या है। तो पहले हम लोग एन फैक्टर को डिफाइन करते हैं। दिस इज नथिंग बट चार्ज ट्रांसफर पर मोल। ये हमें बताता है चार्ज ट्रांसफर पर मोल इज कॉल्ड एन फैक्टर। वन मोल के लिए जो चार्ज ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग एन फैक्टर या एलएनसी फैक्टर बोलते हैं। इसे हम एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। एमजी प्लस टू में गया, कितने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, टू इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हम लिमिट करते हैं वन मोल मैग्नीशियम एमजी टू प्लस में जाने के लिए टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है, इसलिए पर मोल के लिए इसने टू इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है। इसलिए इस केस में अगर हम एन फैक्टर मैग्नीशियम पर निकालते हैं तो ये हमारा टू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं Cl2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन इज टू Cl माइनस। अब यहाँ पे हमें Cl2 का अगर एन फैक्टर निकालना है, इसके एन फैक्टर की बात करते हैं, तो वन मोल Cl2 Cl माइनस में कन्वर्ट होने के लिए टू इलेक्ट्रॉन पर मोल चार्ज ट्रांसफर करता है। तो अगर इस Cl2 का मुझे एन फैक्टर निकालना है तो एन फैक्टर और Cl2 यहाँ पे होगा टू। पर मुझे Cl माइनस का निकालना है तो हम इसे रीड करते हैं टू मोल क्लोरीन टू इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर करता है। यहाँ पर देखना है डिफिनेशन से चार्ज ट्रांसफर पर मोल को हम एन फैक्टर बोलते हैं। तो इसके वन मोल के लिए कितना होगा, वन इलेक्ट्रॉन। इसलिए हम लोग इसका अगर एन फैक्टर निकालते हैं Cl माइनस का तो टू मोल के टू है तो वन मोल के कितना होगा, टू बाई टू दैट इज वन। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल। अगर हम Cl2 का निकालते हैं फैक्टर टू होता है, बट Cl माइनस का निकालते हैं तो वन होता है। सेम अगर हम HCl की बात करते हैं, HCl इज एस प्लस, एक HCl को एक मोल HCl को एस प्लस देना है तो वन मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसका लिखते हैं फैक्टर वन। बट इन केस ऑफ H2S को देखते हैं